नमस्ते, मैं हूं अकिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक आजियो से विंटर वेयर हॉल। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट और वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज मेरे पास सारी चीजें हैं। यहां पे एक बड़ा सा पैकेट है मेरे पास, उसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम आजियो। मैंने काफी सारे विंटर की चीजें आजियो से मंगवाई है। तो चीजें आपको वेबसाइट पे कैसे दिखेगी उसका पिक्चर जो है मैं यहाँ पे साइड पे स्क्रीन पे डाल दूंगी। ऑल्सो सभी चीजों को खरीदने की लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो जो है फॉर अ साइज डिफरेंस मैंने यहाँ पे सारी चीजें लार्ज में मंगवाई है। तो जल्दी से चलिए अभी सब चीजों को खोल के देखते हैं। तो अभी इसको खोल लेंगे पैकेट को। तो मैंने चीजें पहले से नहीं देखी है, माय फर्स्ट टाइम एज वेल सीइंग दिस थिंग्स। तो सबसे पहले मेरे हाथ में जो आया है वो इस तरह का एक बेज कलर का पुलओवर है एंड दिस इज बाय द ब्रांड काजो। तो ये काजो कोल्ड शोल्डर पुलओवर विथ मेटल आईलेट्स एंड दिस इज प्राइस्ड एट 1376। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूं दीस आर विद इन 1500-1400 के अंदर है। तो काफी बढ़िया क्वालिटी की भी है। आजियो के कपड़े जो होते हैं काफी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, थोड़े से प्राइस होते हैं, यस आई एग्री, बट दे आर फ्रॉम रियली गुड ब्रांड्स एंड यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन देयर क्वालिटी। तो ये आपका पूरा वुलन पुलओवर आ जाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली नाइस लुकिंग। आपको यहाँ पे बढ़िया सा 3/4 का स्लीव मिल रहा है बेज कलर में, आप देख सकते हो पूरा वुलन वर्क है। एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस पुलओवर इज गेटिंग कोल्ड शोल्डर स्लीव्स जो काफी बढ़िया लग रहे हैं दिखने में। एंड इस तरह से आपको यहाँ पे आईलेट्स भी मिल रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल येट दिस विल लुक सो एलिगेंट। और इसके साइड में भी जो है आपको स्लिट्स दिया गया है। यू वेयरिंग अ प्लेन सिंपल स्पेगेटी व्हाइट कलर स्पेगेटी टॉप विद दिस, या फिर अगर आप कोई बैंडो पहन रहे हो अंदर उसके ऊपर यू कैन जस्ट पुट दिस ऑन एंड इट विल लुक रियली नाइस। स्पेशली जो लोग कॉलेज जाते हैं ऑफिस जाते हैं, अगर आप कुछ ट्रेंडी ढूंढ रहे हो इवनिंग के लिए, अगर आप कुछ ट्रेंडी ढूंढ रहे हो You can definitely wear that one. Next जो है वो इस तरह से एक ग्रे कलर में चीज आ जाएगी। I think this is a blazer या जैकेट है ये। हाँ, ये एक जैकेट है। This is a grey color jacket and this is by the brand the Vanca. तो ये है the Vanca textured button down jacket with insert pockets and this is priced at 1120 rupees. तो इसको भी खोल के देख लेते हैं। इसका कपड़ा जो है दिस इज रियली वार्म, आपको ठंड में काफी अच्छी लगेगी। फुल स्लीव है, इफ यू सर्च फॉर समथिंग सेमी फॉर्मल टू वेयर, क्योंकि ये आपका फॉर्मल में भी चल जाएगा। अगर नॉट रॉन्ग के वेयर दिस फॉर्मल एज वेल, अगर आप कोई ब्लेजर ढूंढ रहे हो ऑफिस के लिए कॉलेज के लिए व्हाटएवर दैट इज यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस। आप देख सकते हो काफी सुंदर लग रहा है। ये प्लेन सिंपल बेसिक ब्लेजर है। यू कैन पेयर दिस विद सो मेनी थिंग्स स्पेशली स्पेगेटीज एंड देन यू हैव योर व्हाइट कलर टॉप्स, इसके साथ काफी अच्छा रहेगा। और अगर इफ यू वांट यू कैन डू इनफॉर्मल लुक्स विद दिस एज वेल, अगर आप अंदर में कोई पॉप ऑफ कलर येलो पहन रहे हो उसके ऊपर से आप ये डालोगे बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में। नेक्स्ट जो मेरे पास है ये बहुत ही बड़ा स्वेटर मुझे लग रहा है दिखने में। यस एंड दिस इज ए जैकेट। तो दिस इज बाय द ब्रांड आजियो एंड फिलहाल पैकेट में मुझे ये थोड़ी सी अजीब लग रही है, खोल के देखते हैं। This is Ajio front open jacket with shawl collar and this is priced at 1199 rupees. इसको खोल लेते हैं जल्दी से। मुझे ये वेबसाइट पे काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि इसमें फर दिया गया है एंड आई लव फर थिंग्स व्हेन इट कम्स टू विंटर। मुझे फर कॉलर वाली चीजें, फर जैकेट्स, नॉट फर, फोर फर मैं बता दूं, ओरिजिनल फर नहीं, फोर फर की चीजें मुझे काफी अच्छी लगती है। दिस इज वेरी नाइस। ये आपका वाइन कलर में आ रहा है एंड इसके ऊपर आपका पूरा फोर फर दिया हुआ है एंड इट लुक्स रियली नाइस। और फुल स्लीव में अगेन आ जाएगी। वाओ, द कलर इज लाइक ओ माय गॉड, आई वांट टू फॉल इन लव विद दिस। इसके अंदर कैन यू इमेजिन यू आर वेयरिंग अ वाइट कलर्ड ड्रेस जो कि आपकी बॉडी फिटिंग ड्रेस है, और उसके ऊपर अगर आप पार्टी में जा रहे हो, रात में डिस्को में जा रहे हो, बड़ा ठंड में ही चाहते हो कि आपको लगे यू कैन पुट दिस ऑन, एंजॉय योर नाइट, देन कम अगेन पुट दिस ऑन एंड गो होम। दिस इज रियली गुड फॉर पार्टीज, बहुत ही बढ़िया है। आई लव्ड इट, मुझे इसका कलर काफी अच्छा लगा है।
और ये दिखने में भी काफी बढ़िया है. अगेन वेरी सिंपल येट वेरी कम्फर्टेबल. और ये जो है आपका मटेरियल काफी अच्छा है, इसमें आपको अच्छी खासी गर्मी भी लगेगी. यू विल नॉट फील कोल्ड इन दिस, इट विल कीप यू वार्म, इट विल डेफिनेटली कीप यू वार्म. लास्ट जो मेरे पास है वो शायद आई डोंट रिमेंबर, दिस माइट बी अ पुलओवर, माइट बी अ जैकेट, लेट मी चेक. तो ये जो है आपका पुलओवर है, दिस इज बाय द ब्रांड ओनली. तो ये है ओनली टेक्सचर्ड क्रू नेक पुलओवर विद पॉम-पॉम्स एंड दिस इज प्राइस एट 1150 rupees. तो ये भी जो है मुझे वेबसाइट पे काफी यूनिक लग रही थी, इसमें पॉम-पॉम्स लगे हुए थे एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इन दीस डेज. बट इसमें मैंने गलत साइज मंगवा दिया है बिकॉज लार्ज इज लाइक एक्सट्रीमली ह्यूज एंड दिस इज नॉट गोइंग टू सूट मी. मुझे इसमें एक्सेस या स्मॉल मंगवाना चाहिए था क्योंकि इफ यू आर हैवी चेस्टेड और हैवी बस्टेड वुमन और आप इतने लूज कपड़े पहन रहे हो तो यू विल लुक इवन लार्जर देन लाइफ. तो दिस आई थिंक आई शुड बाई अ साइज डाउन, एक दो साइजेस नीचे इसको बाई करना चाहिए. तो दैट वुड बी माई सजेशन. अगर आप चाहते हो दी, अगर आप बहुत थिन हो then you can go for size up because usually in thin people wear baggy clothes, it looks really nice on them, but this is definitely not for me. मुझे नहीं लगा था कि इतना baggy होगा, but anyways 3/4 sleeve पे आपको इस तरह से बड़े बड़े pom-poms मिल रहे हैं and the pom-poms are really very soft and they are made up of again faux fur. तो ये इसी तरह से आ जाएगी, पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है बट सामने में अब थोड़े से pom-poms लगे हुए हैं. I would definitely love this pullover. ये भी अगेन आपका वुलन में आ रहा है बट आई वुड ऑर्डर 2-3 साइजेस डाउन फॉर माई सेल्फ जस्ट बिकॉज मुझे फिटिंग वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है और ये लूज वाली स्वेटर जो मुझको पर्सनली अच्छी नहीं लगेगी. तो वो थी सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी आजियो से. तो जल्दी से चलिए इन सबको पहन के देखते हैं कैसा लगता है. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Bye.